नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देश भर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब लोगों के बीच लगातार खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर लेकर के समाज जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं दो फड़ों में बढ़ चुका है। बिहार से लेकर के तमाम जो कई राज्य हैं वहां अलग अलग कोने में बाबा अपने दरबार लगा रहे हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर के जाने और उनके दरबार को लेकर खूब सियासत भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में भी अब उनका दरबार लगाया जा सकता है। इसी कड़ी में हमारी टीम ने लगातार ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोग बागेश्वर बाबा के दरबार के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बाबा बागेश्वर मठाधीश यानी धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें पूरे देश भर में लोग उन्हें और उन्हें कथाओं में काफी रुचि लेने लगे हैं। बात करें तो कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर बिहार में जाकर अपने कथाओं का आयोजन किए थे, जिसमें लाखों की भीड़ देखने को मिली। वहीं अब बाबा बागेश्वर देश के अलग अलग कोनों में जाकर अपने कथाओं का आयोजन करेंगे। इसमें जनता के काफ़ी समर्थन मिल रहा है, वहीं अब सियासत भी इसमें तेज दिख रही है। तो कुछ लोग इनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके चमत्कार पे सवाल भी उठा रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट, जिन्हें मीना बाजार भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का जो चमत्कारी है, इनको कथाओं में लोगों की कितनी यहाँ की रुचि है और वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका साफ तौर कहना है कि हमें एक राष्ट्रवादी राज्य देश बनाना है, हमें आप एक राष्ट्रहित में राज्य बनाना है और सनातन धर्म को वापस लाना है, और इसी को लेकर वो हर जगह कथाएं कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जनता आखिर इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है और उनका क्या कहना है। अंकल, ये जो बाबा बागेश्वर नाथ जो हर जगह जाकर अपनी कथाएं कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, देश को सनातन धर्म को वापस लाना चाह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है। हिंदू राष्ट्र उस चाहते तो हैं लेकिन बन नहीं पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा, हिंदू में ही एकता नहीं है। अच्छा। हमारे हिंदू भाई अलग अलग भटक रहे हैं, एक कोई तो जाति पात पे चलता है, कोई बिना जात के चलता है, कोई ऊंची नाच दिखा देता है कि भाई हम सर उसने क्या कहते हैं पिछड़े वर्ग के हम अगले वर्ग के हैं, तो इसलिए एकता नहीं हो सकती है। तो अंकल उनके चमत्कारियों पर क्या कहना है कि जो चमत्कार वो दिखाते हैं उनके तो हैं। चमत्कार उनका है, मानते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चमत्कार। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका चमत्कार है, कुछ बताएंगे? उनको जो हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, अभी मानते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि उनको प्राप्त है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो कोई झोल नहीं कर रहे हैं, कोई आप धोखा नहीं दे रहे, उनका चमत्कार नहीं कर रहे, उनका चमत्कार है। अच्छा। और हनुमान जी के पुजारी भक्त हैं। अच्छा। और हनुमान जी की वजह से हनुमान जी उनके ऊपर आते हैं। अच्छा, तो उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म वापस लाए? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करता हूँ, सनातन धर्म आना चाहिए। मेरा नाम तहा है जी। अब ये बताइए, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र से वापस लाना चाह रहे हैं, सनातन धर्म को वापस लाना चाह रहे हैं, और जो उनका चमत्कार वो दिखा रहे हैं, क्या वो सही है? उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं कहना चाहता हूँ वो एकदम गलत बात बोल रहे हैं। सनातन धर्म को वापस क्या लाना है? सनातन धर्म तो यहाँ पे पहले से ही मौजूद है और हमेशा रहेगा, चूँकि ये एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर हर किसी को आज़ादी से रहने का हक है। तो ये हिंदू राष्ट्रवादी वाली बातें एकदम सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं। सनातन धर्म जो है हिंदुस्तान में हमेशा से ही है और हमेशा रहेगा, और सब भाई बहन सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, और ये एकदम बेबुनियाद बातें हैं इनकी, और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिटी खराब करने की बातें हैं और पॉलिटिक्स करने की बातें हैं और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, क्योंकि जो सियासत भी वो भी तेज हो गई है आम जनता के साथ साथ अब राजनीतिक में बुंदा भी जा रहा है? 110% ये पॉलिटिक्स है। 2024 का चुनाव आने वाला है और ये पॉलिटिक्स की जा रही है, और आम जो यहाँ का माहौल है वातावरण उसको खराब करने की कोशिश है, और ऐसा भी आम जनता में ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब धीरेन्द्र शास्त्री जी का साफ तौर पर कहना है कि मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश को एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाना। स्टार्टिंग में जो नेता बनता है वो पहले यही बोलता है मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे फिर राजनीति में आ जाता है ऐसे ही करके। तो ये पॉलिटिकल स्टंट है और पब्लिक और जनता इसमें एकदम भी इन्वॉल्व ना हो। चमत्कार को लेकर क्या, कोई भी चमत्कार नहीं है, ये सब हर छह साल पे आपको एक ऐसा चमत्कारी बाबा दिख जाएगा। अच्छा जी, तो आपको लग रहा है ये पूरी तरह से इनका प्रोपेगेंडा है? कुछ ऐसा पूरा प्रोपेगेंडा है, और इसको जनता 2024 में इसको जस्टिफाई कर देगी, जनता बेवकूफ़ नहीं है। प्रेम जी, क्या आपको लग रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार दिखा रहे हैं, वो जाकर अपनी कथा कह रहे हैं, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र को वापस लाना है, क्या कहना है आपको उनके बारे में?
जो दिखा रहे हैं वो तो सत्य लग रहा है। अच्छा जी। तो आप उनकी कथा सुनती हैं, देखती हैं? जी जी जी। तो आपका क्या थिंकिंग है, सही है या गलत है, क्या चमत्कार देखने है में तो चमत्कार सही लग रहे हैं। हनुमान जी के बात जो कह रहे हैं वो सही है जी, बिल्कुल उनका चमत्कार भी सही, सही है। अच्छा चलिए शुक्रिया। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि उनकी जो चमत्कार है वो सही है, कुछ आपको देखने के? जी अब कल ही बिहार में ही कथा हो रही थी, कल परसों या जब ही हुआ है उसमें देखे हैं कि पत्रकार आपके लेके कहीं कि हम लेके आ रहे हैं, आप उनका पर्चा निकालिए। हाँ। वो कहें आपके सामने मैं पर्चा लिख के रख रहा हूँ, कहें ठीक है लिख के रख दिए। उसके बाद वो जिसको लेके आए पर्चा सही निकला। लेकिन क्यों ये हम नहीं समझे कि इस मतलब सेंचुरी में है कि हमारे साथ क्या भ्रमित नहीं किया जा सकता है? क्या लग रहा है आपको कि भगवान आके उनके पास हैं, चाहे उनके पास भगवान आके सब बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है इस जनरेशन में? क्योंकि आप खुद अपने बच्चों को सिखाती हैं कि आजकल ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक ऐसे मतलब दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पूरा कंप्यूटराइज है, हर चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक है। आप इस टाइम विश्वास कर रही हैं उन पे कि वो बात? हाँ। ये वो अलग बात है, कंप्यूटराइज्ड है सब, सोशल मीडिया ये है सब, डिजिटल इंडिया है ये वो। हाँ। लेकिन भगवान की श्रद्धा तो भगवान पे ही है, हिंदू तो भगवान की श्रद्धा रखते हैं, बहुत पहले से चलता है, जिसका आविष्कार अब लोग करते हैं कहीं ना कहीं पुराण में या किसी बुक में मिलता ही है। मे भी हो सकता है उन पे कोई चमत्कार हो, मतलब आपको भी मानना है कि चमत्कारी बाबा हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रही वो चमत्कारी हैं, बट कुछ हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें गलत प्रूव करने के लिए अभी कोई गलत प्रूव नहीं कर पाया है ना उनको। तो कितने लोगों ने कि ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं या जो भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि क्या हम लोग मानते हैं कि ठीक है भगवान है ये मानते हैं, लेकिन क्या उन्हीं पे आके भगवान कह रहे हैं कि हाँ ये चमत्कार करो चाहे यही चीज बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है? हो सकता है हिप्नोटाइज कर रहे हैं, मैं नहीं कह सकती ना, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ लाइव, मैंने देखा नहीं है, मैं भी फ़ोन पे ही देख रही हूँ। कभी मैं लाइव जाऊँगी, एक्सपीरियंस मिलेगा तो उसके हिसाब से फिर हो सकता है मेरे थॉट चेंज हो। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि बागेश्वर नाथ जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। जी राजनीति करने वाले तो छोटी छोटी चीज़ों पे राजनीति कर लेते हैं, आपको पता है रेप केस पे भी कितनी राजनीति हो जाती है। तो ये राजनीति करने वाले तो किसी भी आप इतनी छोटी सी टॉपिक लाएंगे, उनको राजनीतिक मुद्दा चाहिए वो कर लेंगे राजनीति, कोई उसमें वो नहीं है। तो आपको लग रहा सही है या गलत है धीरेन्द्र शास्त्री अपनी मतलब? नहीं वो तो अपनी जगह सही है ना, लोग अगर आप उनको हेट कर रहे हो वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, ना वो कह रहे हैं आप मुझे फॉलो करो, ना ही वो कह रहे हैं आप हेट करो। अगर आप फॉलो अपने मन से कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करना है आप हेट कर रहे हो ठीक है आपकी मर्जी है, वो तो अपनी जगह ही है, स्टेबल है, स्टे है अपनी जगह। लेकिन उन्होंने जो अपनी कथाओं में आकर कह रहे हैं कि अब जो भी बातें कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या आपको ये अभी राज सही नहीं लग रहा है कि वो कह रहे हैं सनातन धर्म को वापस ला? आपने कहा कि सनातन धर्म बहुत पहले से है, लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन वो जो ये बातें ला रहे हैं, देखिए वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है आपको भी पता है कि कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, इस्लामिक कन्वर्जन होते हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कितने कन्वर्जन जो हुए हैं उनको उन्होंने फिर से घर दिलाया उधर साउथ में, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन जो मैंने सुना है तो उसके लिए तो वो ठीक ही है जी, है ना। आपको भी पता है कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन होते हैं जो भी हैं पैसे दे दे के कन्वर्जन कराते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, एटलीस्ट कोई तो है स्टैंड तो ले रहे हैं, अच्छी चीज है, वहाँ है उनका साथ। तो कहना है कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अपनी जगह सही है, क्योंकि जो आजकल हमारे देश में कन्वर्जन हो रहा है, वहीं केरला स्टोरी की बात करें इसमें कन्वर्जन का दिखाया जा रहा है, तो उनके लिए वो अगर स्टैंड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है, और हिंदू राष्ट्र हमारा जो देश है वो बनना चाहिए, और धीरेन्द्र शास्त्री बहुत सही है। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे और युवाओं से जानेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनका क्या कहना है। विश्वनाथ धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका चमत्कार जो पूरे देश में अब बढ़ता ही जा रहा है, बहुत लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बिहार में गए थे करोड़ों की भीड़ देखने के लिए, आपका क्या कहना है? आप भी देखती होंगी, अपने दोस्तों से बात करती होंगी, क्या बातें, क्या उनके बारे में बोलना है? मैं तो यही चाहती हूँ कि वो जो भी अपना रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, एक पॉजिटिव सोच और एक जो भगवान पे ईश्वर में विश्वास है, सही है मेरे हिसाब से। अगर आदमी सही से अगर अपना उसकी समझ ऐसी होनी चाहिए, जो आप जो कुछ कर रहे हो ना पब्लिक में है, तो मेरे हिसाब से तो सही है। अच्छा आपको पूरी तरह से उनका चमत्कार भी उनका सही लग रहा है, ये नहीं लग रहा कि हमारे साथ वो कुछ धोखा कर रहे हैं? सही है, कुछ नहीं है, सही है। क्या कहना चाह रहे बागेश्वर बाबा जो हैं, उनका चमत्कार या उनके जो कथाओं से कितना प्रेरित हैं, और वो जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र वापस लाना है, सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, क्या कहना चाहेंगे उस पे? वो जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा हम लोग सब उनके साथ हैं, और जो उनके चमत्कार है वो रियल है। अच्छा क्यों आपको ऐसा लगा कि उनका चमत्कार रियल है? क्योंकि उनके सामने कोई भी जाता है तो वो पूरी उसकी जन्म कुंडली समझ लिए निकाल देते हैं, और जो बताते हैं
कि ये चीज करिए वो सही रहता है, मतलब लाभ मिलेगा उससे। क्या आप भी चाहते हैं कभी उनके पास जाएं अपना ये पर्चा दिखाएं? हम चाहते हैं, चाहते हैं जी, क्योंकि प्रॉब्लम है ना हमारे अंदर कुछ, मतलब जो नहीं है कुछ सोचते हम हैं, सोचते क्या हो जाता क्या। अच्छा, उनसे मिलने की तमन्ना बहुत है हमारी। अच्छा, मिलना चाह रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है कि ये राजनीतिक में नहीं जा रहे हैं? नहीं, में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपना काम करना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपका क्या कहना है, कितना सही है वो, कितना, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, हम कोई समर्थन नहीं करते। आखिर क्यों? कुछ लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि चमत्कार उनका सही है, वो करें अपना समर्थन, उनका कोई चमत्कार कुछ नहीं है। क्या चमत्कार? सब ऊपर से होता है वो। अच्छा, तो उनका ये कहना है कि हम जो सनातन धर्म है उसको वापस लाना चाह रहे हैं, ठीक? क्या अभी नहीं वापस ला पाएंगे, कुछ नहीं वापस ला पाएंगे? क्यों, ऐसा क्यों नहीं ला पाएंगे? कुछ रीजन बताइए। बड़े बड़े गुजर गए वो नहीं वापस ला पाई, ये कल आए वो वापस ले आएंगे। अच्छा, तो मतलब क्यों आपको गलत लग रहा है, कुछ बताइए रीजन उसका। एक से एक लोग पड़े हुए हैं, कोई नहीं अभी तक वापस कुछ नहीं ला पाया, ये क्या वापस ला पाएंगे? कुछ महिलाओं का या कुछ लोगों का कहना है देश में हमारे कि वो जो है उनका चमत्कार सही है, हनुमान जी उन पे आते हैं और हमारा चमत्कार सही हो जाता है, तो आपका क्या कहना है? कोई किसी पर कुछ नहीं आता है, ये सब सब फेक कर रहे हैं, सब वहम है, सब अपनी सोच अपने अपने, सबका सबका वहम अलग होता है ना मैम। वो ला रहे उनके धर्म में ये चीज़ हो रही है तो होने दीजिए, मेरे को नहीं होना ना। अच्छा, मेरे धर्म में तो ये चीज़ हम लोग नहीं मानते, हम लोग तो लिए ऊपर ही वाले ये बस वही चाहते हैं, तो फिर और कुछ नहीं कर पाया कोई। भाई मेन कौन होता है, जिसने पैदा करा है भाई, उनको भी किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया, तो अब कौन उनकी क्या हिम्मत है वो कुछ कर सके? तो आप उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हो? नहीं कर सकते, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, हम अल्लाह का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और हम उसके आगे झुकते ना ही किसी के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। तो आप उनके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं है? मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। आप देखते हो वो, आप देखते होंगे कथा, सुने हो कभी? मैम कथा से कोई मतलब नहीं होता, सबका धर्म सबका अलग अलग होता है, उनके धर्म वालों को वो चीज़ पसंद है, उन पर विश्वास है तो वो करें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को उस पर बिलीव नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगी आप धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो उनका चमत्कार है कितना हद तक सही है? हिंदू राष्ट्र वापस 101% सही है। अच्छा, सही है। क्यों आपको सही लगा? क्योंकि वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर साक्षात हनुमान जी की कृपा है। हाँ, बालाजी के वो भक्त हैं। अच्छा, और बालाजी में मेरी भी आस्था है। हाँ, और वो उन्होंने जितना कुछ भी कहा है, क्योंकि किसी ने भी उन्हें कोई, मतलब कि उनका पर्दाफाश नहीं कर पाया कि वो झूठे हैं, परेबी है या फिर पाखंडी है। अच्छा, वो बिल्कुल सही है, और वो जो भी कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। तो आप भी उनके कथाओं में शामिल होना चाहती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हमें मौका मिलेगा हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इस युग में क्या चाहती कि बालाजी उन पे हैं या हनुमान जी का पूरा उनका कृपा है, ये सही मानती हैं आप पूरी तरह से? उनके ऊपर बालाजी की कृपा तो है। अच्छा जी, तो मैम क्या लगता है आपको, कुछ लोग कहना है कि ये राजनीतिक में जा रहे हैं, राजनीतिक के लिए सब कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, राजनीति में वो जाना ही नहीं चाह रहे, उनका तो साफ साफ कहना यही कि मैं बालाजी का भक्त हूँ और बालाजी की कृपा उनके ऊपर है। वो जो भी चमत्कार कर रहे हैं, कोई उस पर कोई, मतलब कि ये नहीं है कि उसके पीछे कोई राज हो या कोई, मतलब कि सपोर्ट कर रहा हो, वो वहीं पे अपनी पर्ची निकालते हैं, वहीं पे सब बताते हैं जो भी आप पूछती हैं, ना कि कोई रिकॉर्ड नहीं उनके पास रहती किसी के बारे में। लेकिन मैम ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे देश में साधु आए, ऐसे बहुत सारे चमत्कार दिखाए, वापस चले गए, क्या इनका भी वैसे हो सकता है क्या? नहीं, देखिए अब बहुत सारे शास्त्री आए, आशाराम बाबू आए जी, और उसके पहले देखिए इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है। जैसे कि उन्होंने कन्याओं के साथ में गलत किया था, एक वो आश्रम बनाया था वहाँ पे गलत करते थे, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो साफ साफ दिखाते कि मैं बालाजी का भक्त, तो चाहे आप इन्हें जहाँ बुला लीजिए वहाँ पे ये सही सही बताते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे कथावाचक हैं, और उनका पूरी दुनिया में जो हर जगह पर जो प्रोग्राम होता है, लोग जो हज़ारों की लाखों की तादाद में आते हैं देखने, अभी उनका बिहार में ही चल रहा है प्रोग्राम, और वहाँ पे कम से कम कितना उनका आप सहमत कर रहे हैं, क्या उनका चमत्कार है सही है, क्या सच में उन पे बालाजी का कृपा है? नहीं, कहते तो हैं वैसे, फिलहाल जो टीवी में देखते रहते हैं जो उनका जो प्रोग्राम हम। हाँ। मैं भाग है तो उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं जी, क्यों नहीं करेंगे, वो सनातन धर्म के, जो हम भी सनातन धर्म के हैं, पाठ कर रहा है तो उस पर कृपा तो आएगी ही आएगी। अब जिन पे नहीं है वो लोग विश्वास नहीं करते, दिक्कत ये है, तो ये चीज़ें यूनिक है, सबके साथ नहीं हो सकती। तो आपको ऐसा क्या लगा कि देखने में कि उन पर चमत्कार उनका सही है, बालाजी का उनका सनातन धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, आपका क्या कहना है इसमें? पहली बात तो सनातन धर्म को बढ़ावा देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं है, ये लाइफ जीने की एक कला है। अच्छा। तो उसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, क्या उनमें अच्छा लग रहा है? वो ये अच्छा लग रहा है, मैंने कई वीडियो उनको मैंने मिला तो हूँ नहीं,
लेकिन वीडियो के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जो वो बताते हैं एकदम एक्यूरेट आता है। आपके जैसे कई लोग न्यूज़ वाले गए हैं उनके पास, और कई लोग जो है अपने आप खुद वहाँ पे गए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उन्होंने खुद पाया है कि जो वो लिख रहे हैं सब सही है। तो आपको क्या लग रहा है, इस सेंचुरी में रह के क्या वो हिप्नोटाइज भ्रमित नहीं कर रहे हैं, उनका ये चमत्कार है, ये बालाजी का चमत्कार है? नहीं, बिल्कुल है। क्या उससे कुछ नुकसान हो रहा है मुझे ये बताइए? उससे जब कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, भाई लाइफ में उम्मीद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी को उम्मीद देते हैं कि ये चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हो सकती हैं, ये साइंटिफिक रीज़न भी है, अगर आप में उम्मीद बढ़ती है आपके दिमाग में, कुछ होप इंक्रीज होता है, तो आदमी तैयार होता है डिसीजन लेने के लिए, कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। अभी मैं किसी, आजकल मोटिवेशनल गुरु बहुत लोग हैं, आप देखे होंगे। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है, दे जस्ट वॉन्ट टू मोटिवेट यू सो दैट यू कैन टेक एनी डिसीजन एंड यू कैन टेक एक्शन एंड यू कैन गेट सक्सेस वट एवर यू वॉन्ट टू इन योर लाइफ। So if you are, if they are ready, if he is ready to give you a hope, and in that hope, he is, I think ultimately he is motivating you that there is something in your life, you can do something, you can achieve something better in your life, even believing in Hanuman ji or whatever God he want to say. So that is most important thing. And if there is no loss, whatever he is saying, there is only benefit, then that is better. I don't think that there is any argument. बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर क्या जो युवा हैं इनके बातों से, चमत्कार से क्या भ्रमित नहीं हो सकते हैं? चमत्कार देखो, जब वो बताते हैं जो भी चीज़, उसमें वो क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपके लाइफ में सही हो जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ। सही कैसे, वो बोलते हैं आप कर्म करो, ये चीज़ें सही करो, आप सही से रहो। वो बोलते क्या हैं, आप ये देखो ना उसके पीछे वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आप इस चीज़ को सही से करो, गलत, हाँ ये गलत चीज़ें मत करो अपने लाइफ में, चीज़ें बेटर होंगी। मैं कह रहा हूँ आपके लाइफ में चीज़ें बेटर होंगी, इसमें क्या गलत है? ये तो होप दे रहा है मुझे, पूरी सदर सही है। भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें फेल हो रहा हूँ और मैं किसी के पास जाता हूँ और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते हो, आप सही एक्शन लो, गलत कुछ मत करो, आप अचीव करोगे। उन्होंने ऐसा कुछ, मतलब जो लोग कहते हैं ना कि भ्रमित कर देते, ऐसा कुछ करते ही नहीं हो। अच्छा ये बताइए सर कि ये कहा जा रहा है कि अब सियासत भी इनका, जो राजनीतिक जो नेता है वो भी इनका समर्थन कर रहा है। सियासत ही तो इस देश की जो है चीज़ों को खराब कर रही, सनातन धर्म को सियासत ही तो मार रही है। अच्छा, सियासत ही तो गलत है, लोग हर चीज़ में सियासत ढूंढने लगते हैं, वहाँ सियासत कुछ है ही नहीं है। अच्छा। सियासत तो लोग बना रहे हैं और उसमें लीडर बना रहे हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वो बंदा जो भी कर रहा है वोट के लिए थोड़ी कर रहा है। बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जा रहे हैं, एक होप मिल रही है कि यस इफ़ आई विल टेक एनी एक्शन आई कैन डू समथिंग बेटर टू अचीव समथिंग। अगर वो होप पा रहे हैं और थोड़ा सा उनके लाइफ में इजीनेस आ रहा है उसकी वजह से और कुछ भी नेगेटिविटी नहीं हो रही है, तो क्या दिक्कत हो? तो ये भी नहीं करते मुझे यार 100,000 रुपए दो तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इवन मोटिवेशनल गुरुज आर रेडी टू टेक फीस फ्रॉम यू टू मोटिवेट यू, बट ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। I don't know everything, but whatever I see about him, I think on that basis I can see he's right totally in his sense. तो आपने देखा लखनऊ के जो जनता है काफ़ी मिलीजुली अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरह से सही हैं, उन पर बालाजी का कृपा है और वो हमारे सनातन धर्म के जो धर्मांतरण किया जा रहा है अगर उसका बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत सही हैं। और कुछ लोग उनका जो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इस युग में कहाँ से उन पर चमत्कार आ रहा है और कहाँ से बालाजी का कृपा आ रहा है। तो ऐसी ही मिली जुली प्रतिक्रियाएँ मिली जनता से और उनका ये भी कहना है कि कुछ लोग का कहना है कि हम धीरेन्द्र शास्त्री से मिलना भी चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि जो गुजरात में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को जो चुनौती मिली है एक डायमंड के व्यापारी से, तो वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री अपना किस तरह से बचाव करेंगे, किस तरह से अपना चमत्कार करेंगे, अब देखने वाली बात तो यही होगी। कैमरामैन नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।